जी सब अपने बिठाइए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी जैसी बोल रहा हूँ। हाँ जी सरदार। हाँ तो मैं एग्रीमेंट कैश लेकर पहुँच रहा हूँ जी। कैश कैश ही कैश। क्या हेलो मनी पुलिस हो गई ओए, वो कोई जनरेटर होगा ना बक्ची। अब लग नहीं रहा यार, अलार्म जैसी कोई चीज होगी। देख देख यार, दिख तो नहीं रहा यार कुछ भी। यार ये काम कितने फंसा दिया यार। और मैं वो कोई है किसका है तुम्हें इंतजार? मैं हूं ना, देख रहा है यार। मैं परेशान हूं और ये आयो शाहरुख खान बन रहा है यार। ये तू मतलब जस्ट चिल। मैं निकालता हूं आपको, रुको। यार रेड शर्ट में साक्षात हनुमान जी आ गए। ओए पाजी आ जाइए। पाजी कौन? अरे आप। हाँ यार, अरे हाथ नहीं, पहले अपना बैग दीजिए। बैग मांग रहा है। टेक केयर यार, नहीं तो वाकई में जैसे जैसा कोई नहीं हो जाएगा। जो बोले सुन। कहता है इंडिया में अच्छे लोग नहीं होते। गुड, कमाल अपना हाथ दीजिए। हाथ दी बैग। अभी पहले अपना बैग दीजिए। बैग दे दो जी, दे दो। क्लीन चिट वाले हनुमान जी हैंगे। कौन? ओके। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा हिलोगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। तुमने क्या समझा था कि मैं अलीबाग से आया हूँ? ट्रेलर देखती पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी। तुम मेरा बैग लोगे और यहाँ से 9 तो 11 हो जाओगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मैं सरदार जी को नहीं जानता हूँ। ब्रदर जस्ट ट्राई। ब्रदर नहीं, फादर। साले इस लाइन में मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप। ओह, आप भी हमारे जैसे। डील चल रही होगी। आदित्य श्रीवास्तव। यू कैन कॉल मी डिटो। चुप, दूसरा हाथ दो। हाय डिटू, वो गया। चल घर चल यार, देख उधर भी नहीं है। अरे आप जा रहे हो? आपने मेरा ग्रिल सैंडविच बना दिया। अगली बार निशाना शिकार पे लगाना, शिकारी पे नहीं। अरे अरे जस्सी हेल्प। यू आर किंग कॉन्ग। तुम कर सकते हो, तुम किंग कॉन्ग हो। यू कैन डू इट। ओके, तुम मरने वाले हो। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर भालेराव। मुझे स्पीच देनी है कॉन्फ्रेंस में ऑन हाइपोकॉन्ड्रिया। मैंने सोचा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है तो पहले मैं जोक क्रैक करता हूँ। Can I try the joke on you, if you don't mind? Just a minute. Hurry up, come on. The joke is like this. कि patient doctor के पास जाता है, तो doctor patient को कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तो patient बोलता है, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, कितना टाइम है मेरे पास? तो डॉक्टर बोलता है, 5 क्या 5 साल? 5 महीने? 5 वीक्स? तो बोला नहीं। तो फिर डॉक्टर कितना टाइम है मेरे पास? 5 4 3 2 1 टाइम। You're dead. अच्छा नहीं लगा? God, अब क्या करूं? Calm down. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Dr. Bhalerao, and I'm going to talk to you on hypochondria. Okie dokie, bye. Hey. चश्मे का कवाई। रिलैक्स रहा करो तुम जो। लंबू को भी अच्छा नहीं लगा। नो अटैक गेट डाउन हम चल गया यार। आपको गोली लगी है, देखो कितना खून बह रहा है। सारे कुत्ता घूम रहा है। पूरा क्रेन को बुला से उठा। इस नन्ही सी जान के ऊपर है आप। क्या हुआ? आपको गोली लगी है। कॉल फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं है हमारे पास। मेरा फोन इस्तेमाल करो प्लीज। यस। मेरा वॉलेट में मेरा कार्ड है। गुड फोन। बोलो डॉक्टर भालेराव इज हिट, ही इज डाउन, कम फास्ट, इज इन इमरजेंसी। आपको फोन लगा। ओके ओके वेट प्लीज। मुझे पहले एक रुमाल चाहिए। ये बाद में धो लेंगे। इजी इजी इजी। मुझे दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, I don't feel anything। लो, जब कुछ फील नहीं हो रहा तो घर से कोई फायदा नहीं है। अब अभी ट्राई कीजिए। ओके प्लीज remove my glasses। Where is the bullet wound? यहाँ लगा है। देखो मैं। नहीं मत देखिए प्लीज, आप देख नहीं पाएंगे। ओके प्लीज check my pulse। यस पल्स के लिए वॉच और काउंट करो। हाँ बेटा, what's your name? ललन। ललन प्लीज लूज इन माय टाइम। यस सही है। मैं ढूंढ ले दूंगा। यस एम्बुलेंस प्लीज। नॉट टू मच इजी। आवाज क्या आ रही है? तो झूठ बोले कौवा का जाने लगा। मुझे अजीब आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? लॉस। नहीं कौन सी? हियरिंग थिंग्स। मरने से पहले ऐसा होता है, आदमी का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एम्बुलेंस आ गया। तुम चलो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लंबी लंबी सांसें लें। I'm a doctor, I know how to breathe। जी जाओ तो बता दो कि जिंदगी आखिरी सांसें हो। ओके रेस्ट में रहिएगा। ललन प्लीज कीप योर ब्रीफकेस मेरा संभाल के। प्लीज आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। यस अरे स्ट्रेचर लेके आओ। ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या मैं बच जाऊंगा? शर्ट का पता नहीं। तो क्या है, वो दोनों जीते जी आपका पोस्टमार्टम करेगा। What? पुलिस! You come with me, you're my witness। रिलैक्स। पुलिस को छोड़िए, मैं बता सकता हूँ दोनों का। तो शहर पूरे पर तुमने फ्लैश उधर गई तुम? ओह पहचान लिया मुझे। आप लोगों को बर्बाद करने के बाद भूल जाते होंगे। मोटरसाइकिल की टंकी में ट्रक जितना पेट्रोल डाल दिया। लग गई ना। जब पचती नहीं है तो पीते क्यों? इतनी भी नहीं पीते। हाँ हर आदमी होश में आने के बाद यही बोलता है। वैसे मुझे आपको उस गाड़ी के नीचे आने देना चाहिए था। यहाँ पर लाया क्यों? पर क्या करे, ना तो दिल ही कुछ ऐसा है। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। अब चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन। आपने मेरा बहुत नुकसान करवाया। 40,000 का फटका वहां पड़ा, पार्टनर जेल में चला गया, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, फट गई मेरी पूरी जींस। इतना सब अगर बा के साथ होता ना तो वो भी कमोले का बन जाती। पर मैंने क्या किया, आपको अपने घर पर लेके आया, आपकी मरहम पट्टी की, आपको अपना बिस्तर दे दिया, मेरी नींद छोड़कर आपको चैन से सोने दिया। सलाम मैं कमोली का था और बाप बन गया। थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन वो डॉक्टर मेरे पीछे ही पड़ गया था। मेरे वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मैं भर दूंगा। क्या क्या हर्जाना भरोगे आप? हाँ मेरे पैसे, मेरा दोस्त, मेरी नींद, मेरी जीन्स, मेरा वक्त, क्या क्या हर्जाना भरोगे आप? अरे आप पर रहम खाकर मैं आपको यहाँ तक लेके आया, इसका हर्जाना भर सकते हो आप? देखो मैंने कह दिया ना, मेरे वजह से जो कुछ भी खराब हो गया है ठीक कर दूंगा। अरे जाओ ठीक कर दूंगा। आप तो आदमी गलत हो। मेरे हालात हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले, आज नहीं तो कल मेरा भी वक्त आएगा। मेरे बाप, मैं यहाँ तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम मेरी बजाय जा रहे हो। पैसों को मारो गोली, बता तुम चाहते क्या हो, कर दूंगा। सच गुरु, हमें बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? आज का मेन्यू मल्होत्रा फ्राई। मिसेस मल्होत्रा, गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग स्टैंडर्ड बैंक से हैं, क्रेडिट कार्ड डिवीजन। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। ये मेरे लिए? जी हाँ। किस खुशी में? हमारी स्कीम के मुताबिक। आप जरा ये दरवाजा खोलेंगी, आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। आपको तो मैंने मिस्टर नटवरलाल समझा था, पर आप तो बाबा आमटे निकले। लेनी है तो देना तो पड़ेगा। चलो। ये रिंग तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। महंगी होगी। पूरे 7,500। स्कीम के मुताबिक ना रुपया ज्यादा ना कम। पर मिस्टर मल्होत्रा का, मिस्टर मल्होत्रा आइए ना, आइए। मिस्टर मल्होत्रा प्लीज कम सर। तुम कौन? एक्सक्यूज मी, ये हमने कोई रिंग ऑर्डर नहीं की है। जानता हूं, लेकिन ये हमारे बैंक की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, स्कीम के मुताबिक। पर ये स्कीम है क्या? आप 100 रुपए खर्च कीजिए, हम आपको 5 रुपए का गिफ्ट दे देंगे। ये रिंग 7,500 का है, तो इसका मतलब है कि आपने 1.5 लाख की शॉपिंग की होगी। 1.5 लाख की शॉपिंग हमने की अपने कार्ड से? इम्पॉसिबल। क्या ये आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है? राइट, तो फिर ये रिंग आपकी। पर इतना खर्चा हुआ कहाँ? अभी बताता हूँ। 12 जुलाई लीला होटल डिनर 1440। 15 जुलाई जेट एयरवेज बॉम्बे बैंगलोर 12,500 और 28 जुलाई फिर से बॉम्बे बैंगलोर का। हाँ, कंपनी के काम के सिलसिले में मुझे अक्सर बैंगलोर आना जाना पड़ता है, लेकिन खर्चा 25,000 से ज्यादा नहीं हुआ होगा। दिखाओ मुझे। सर अभी बाकी बहुत कुछ है। बैंगलोर में 3,200 का कारपेट, कश्मीर बाजार से 33,440 का डाइनिंग सेट, डबल बेड और इजी चेयर, इंडोर फर्निशिंग से गद्दे और तकिए स्लीप वेल के 7,400। इसका मतलब आपका घर बैंगलोर में भी है। नाइस वेदर। बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? खामोखा नाराज हो रही है। खर्चा तो घर के ऊपर ही हो रहा है ना, खुद पे थोड़ी तो कर रहे हैं। देखिए, जस्ट मॉम से 3,000 की मटर्निटी ड्रेस। मटर्निटी ड्रेस? और मैं आपने इनके ले ली होगी, इनके लिए नहीं। हाँ, बॉनी बेबी की प्रैम 13,200। प्रैम भी? नहीं। वैसे मैडम मानना पड़ेगा, आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। वैसे वो बेबी है या बाबा? बाबा है या बेबी, बैंगलोर फोन करके पूछ लीजिए। सुनीता बाई, सुनीता बाई, सामान पैक करो। डार्लिंग, स्वीटहार्ट, देखो बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम कहीं मत जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। What? Yes, बैंगलोर, उसी के पास जिसके लिए तुमने 1.5 लाख की शॉपिंग की और मेरे लिए सिर्फ 5% की अंगूठी। बाबा वो सब मैंने नहीं खरीदा है, जरूर इनसे कोई गलती हुई है। आपका बैंगलोर में दूसरा घर नहीं है? नहीं। आपके बेबी बाबा नहीं है? नहीं बाबा नहीं। आप अपने बच्चे की कसम खा के कहिए कि आप सच बोल रहे हैं। जब बच्चा है नहीं, मैं कसम किसकी खाऊं? चेक क्वेश्चन, सच बोल रहे हैं यानी किसी और ने किया है? बच्चा नहीं, फ्रॉड। हाँ। मतलब 1.5 लाख का चूना लग गया? नहीं, बाल बाल बच गया। हाँ। आपके क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख का इंश्योरेंस है। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। जरा क्रेडिट कार्ड दिखाइए। क्यों? दिखा दो ना, इतने भले लोग तो हैं। दिखाओ दिखाओ। जस्ट एज आई थॉट, डिस्ट्रॉय करना होगा। जस्ट साइन हियर प्लीज। वैसे आपके सिग्नेचर काफी डैशिंग है सर, ठीक आपकी तरह। ए, थैंक यू। हमारा काम हो गया। क्या मतलब? आपका काम हो गया।